बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक यार अगेन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक नई अपडेट और वीडियो के साथ जो है आप सबसे हाजिर होते हैं। कुछ क्वेश्चंस जिनका मैंने आज जवाब देने हैं, और आज जो लेटेस्ट अपडेट्स है SBK केस के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से, और उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत अपडेट दे दूँगा। देखिए, आज यानी 7 अगस्त को SBK पास कैंडिडेट की सेंट्रल कमेटी मेमरान की तरफ से जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं नसीबुल्लाह मरी से एक मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात में जो है, जहां पर आपने जो जितने भी पास कैंडिडेट्स हैं जिनको जितने भी जो है दरपेश मसाइल हैं उसको जो है एजुकेशन मिनिस्टर से उसको सब ने जो है आगाह कर दिए, और आपके जो वज़ीर तालीम हैं उसने जो है अगली समात में जबके पास गवर्नमेंट वकील होते हैं, सरकारी जो वकील हैं उसको तमाम दस्तावेज़ात मुकम्मल पेश करवाने की, और SBK की जो सेंट्रल कमेटी को हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करवाई है। ये मैंने आपको बता दिया जो आज एक मुलाकात हुई है वज़ीर तालीम नसीबुल्लाह मरी से, तो उन्होंने जो है हमें एक यकीन दहानी कराई है SBK केस के हवाले से। जितने भी हमारे पास जो सेंट्रल कमेटी है उसकी जो कमेटी बनी थी, तो उसको एक सरकारी वकील जिसको तमाम दस्तावेज़ात मकमल पेश करवाने और हमें मसद तवन करने की टोटली जो है यकीन दहानी करवाई है। और एक दूसरी बात मैं बता दूं कि आज जो 4 बजे एक बार फिर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी SBK पास कैंडिडेट की तरफ से, कोटा प्रेस क्लब में होनी थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ इसके वाले से भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि 10 अगस्त को जो बुलसन हाई कोर्ट ने एक आखिरी तारीख दिया था, यानी जो 10 अगस्त को आप लोगों का फाइनल डिसीजन होगा केस के हवाले से कि मजीद स्टे आर्डर हमने एक्सटेंड करना है या नहीं करना, तो आपने रिज़ल्ट वगैरह कब अनाउंस होना, ये मैं आपको बता दूँ कि बुलसन हाई कोर्ट की तरफ से जो कि 10 अगस्त दिया है फाइनल एडवा की जो डिसीजन होगी, तो इसके बाद जो है आगे कोई भी तारीख जो है मंजूर नहीं होगी। देखिए, जितने भी पास कैंडिडेट्स हैं वो 10 अगस्त के फैसले को देकर ही अपना लायमल तय करेंगे कि भाई जो फैसला आएगा क्या वो फैसला हमारे हक़ में होगा या नहीं होगा। हमें तो एजुकेशन मिनिस्टर तो हमने ये यकीन दहानी करा दी कि भाई जी आपको हम हर मुमकिन आपकी ताउन आपके साथ खड़े हैं, तो देखते हैं कि 10 अगस्त को जो फैसला होगा वो जितने भी आपके पास जो पास कैंडिडेट्स हैं वो कि 10 अगस्त के फैसले को देखकर आपने क्या लायमल तय करेंगे, इसको भी देखते हैं कि अगर खुदा न खासा फैसला मज़ीद जो है एक्सटेंड होता है तो फिर जाहिर सी बात है एक दफ़ा फिर जो है बुलसान में एहतजाजों का मुजाहरा सिलसिला भी शुरू हो जाएगा कि जो है स्टूडेंट्स वगैरह ने एहतजाज भी करना है जो जितने भी आपके पास कैंडिडेट्स हैं। तो ये मैंने आपको आगाह कर दिया आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स है रिज़ल्ट के तो हवाले से, या फिर जो है जितनी भी आपके पास कैंडिडेट्स हैं वो हर दिन जो है अपना रिएक्शन वगैरह दिखा रहे हैं, जो कि एक अच्छी मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है, ताकि आपकी जो गवर्नमेंट्स वगैरह या फिर आपकी जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें जो है SBK टॉप पर आ रही है इस केस के हवाले से कि हमें केस एक्सटेंड करना है या नहीं करना, तो ये तो फिर फ्यूचर में बताएगा कि वक्त में क्या होगा। तो ये मैंने आपको आज बता दिया है। बाकी एक और मैसेज मुझे आया था जो कि एक पास कैंडिडेट ही था, उसके मार्क्स वगैरह मुझे बताया था कि इसके मार्क्स 65 है, लेकिन उसके जो प्रोफेशनल डिग्री है उसके मार्क्स नहीं लगे हैं। तो इसके वजह से मैं बता दूँ कि जिनके मार्क्स 60 से अबव हो या फिर जितने भी मार्क्स है, ज़रूरी नहीं कि आपके मार्क्स 60 से अबव हो, और आपके अगर प्रोफेशनल डिग्री है, अगर मार्क्स आपके नहीं लगे प्रोफेशनल डिग्री के, तो आप सब मुझे बता दें जिनके मार्क्स नहीं लगे प्रोफेशनल वालों के, ताकि मैं देख लूँ कि क्या मसला है। बाकी जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा वो आप कमेंट सेक्शन में वगैरह पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।